गोवा में समंदर के रास्ते आतंकी घुस सकते हैं। ये जानकारी खुफिया सूचना के आधार पर मिली है। इसके लिए वो मछली पकड़ने के जहाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खुफिया सूचना साझा किए जाने के बाद समुद्र तट पर सभी जहाजों और कैसीनियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि राज्य के बंदरगाह मंत्री जयेश ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी तट पर आतंकी हमले की आशंका के बारे में खुफिया सूचना साझा की है। उत्तर प्रदेश के एक और दलित बीजेपी सांसद अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं। नगीना सांसद यशवंत सिंह ने इस बारे में अपनी सरकार पर दलितों के अनदेखी का आरोप लगाया है। यशवंत सिंह ने SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। यशवंत सिंह ने PM मोदी को लिखे लेटर में दलितों के हित पर आवाज बुलंद की है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंदिरा मणि मुखर्जी को देर रात भयखला जेल से JJ अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें JJ अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने BJP के अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने शाह के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की तुलना सांप कुत्ते बिल्ली से की थी। विपक्षी दलों ने कहा कि शाह राजनीति चर्चा को एक नए निचले स्तर पर ले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी शाह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी पार्टी के अध्यक्ष से इस तरह की बयान की अपेक्षा नहीं रखता। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणियां शर्मनाक है, ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। तमिलनाडु के कावेरी प्रबंधक बोर्ड की मांग को लेकर किसानों ने अनूठा तरीका अपनाया है। किसानों के समूह ने गुलाब की मालाओं के साथ कावेरी नदी के किनारे खुद को गले तक मिट्टी में समा लिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर PA कन्नू की अगुवाही में किसानों ने ये प्रदर्शन करीबन 2 घंटे तक किया। बाद में पुलिस ने उन्हें स्वयंसेवियों की मदद से हटाया। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने PM मोदी पर विवादित बयान दिया है। मेवाड़ी ने कर्नाटक में होने वाले PM मोदी की रैली को बाधित करने की सलाह दी है। जिग्नेश ने कहा कि युवाओं का रोल ये तो हो सकता है कि 15 तारीख को PM मोदी के बेंगलुरु में जो रैली होने वाली है उनकी सभा में घुस जाए और कुर्सियां हवा में उछाले। जिग्नेश के इस बयान के खिलाफ BJP ने FIR दर्ज कराई है। जिग्नेश कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर BJP और PM मोदी को घेरा है। पंजाब में सरकार तो बदल गई है लेकिन ड्रग्स का धंधा वैसा ही चल रहा है। कांग्रेस की अमरिंदर सरकार भी इसे उसी तरह से रोकने में नाकाम साबित हुई है जैसी शिरोमणि अकाली दल और BJP के गठबंधन सरकार में हुई थी। बीते विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह ने इसे महज 4 हफ्ते में खत्म करने का वादा किया था लेकिन वो ऐसा करते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी पुलिस वालों की मिलीभगत से ड्रग्स का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली एक दूसरी जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति MM खनविलकर और न्यायमूर्ति VI चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। इसी मुद्दे पर अपनी पिछली जनहित याचिका खारिज होने के बाद भी वकील ML शर्मा ने ऐसी ही राहत की मांग करते हुए दूसरी याचिका के साथ कोर्ट पहुंचे। झारखंड के धनबाद शहर में एक युवक ने संपत्ति विवाद में अपने भाई की हत्या कर दी। इसके बाद उसने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले एक अन्य रिश्तेदार को भी जख्मी कर दिया। खबर के मुताबिक संतोष महतो ने घर में कमरे बंटवारे को लेकर अपने भाई प्रेम राम से बहस के बाद उस पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद जब प्रेम राम की सास बीच बचाव का प्रयास किया तो महतो ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस समय पर पहुंचकर हालांकि उसे बचा लिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां प्रेम राम की मौत हो गई है। संसद बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बिना कोई खास काम किए समाप्त हो गया। संसद का 23 दिन का वक्त सत्ता पक्ष विपक्ष की तूतू-मैं-मैं की भेंट ही चढ़ गया। वहीं अब कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश चाहते हैं कि मई-जून में स्पेशल सत्र हो।
जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से इस सिलसिले में बात की। जयराम रमेश ने नायडू से अपील की वो मोदी सरकार से संसद का स्पेशल सत्र लाने के लिए बात करें। जयराम रमेश के अनुसार मई या जून के दो सप्ताह का स्पेशल सत्र लाकर बचे हुए बिल को पास कराने जैसे विधायी जयराम रमेश के अनुसार मई जून में दो सप्ताह का स्पेशल सत्र लाकर बचे हुए बिल पास कराने जैसे विधायी काम पूरे किए जा सकते हैं।